जैन साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत है। और साथियों, कमेंट करके बताएं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या सब कुछ विजिबल है। और डेली के तरीके से हम आज फिर अपने एक सीरीज में आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट। और आज हमें चार स्टेट डिस्कस करने हैं, मुश्किल से एक घंटे में हम कर लेंगे। जितने फालतू क्वेश्चन थे वो हमने हटा दिए हैं। थियरी में जो काम के दो चार बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, और मैक्सिमम चीज़ें जो रटने वाले होंगे वो आप रटेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप इस तरीके की सीरीज से फायदा उठा भी रहे हैं या सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। फायदा उठा भी रहे हैं, मैं देखो अपने भी कुछ दुश्मन है ना सेशन शुरू होने से पहले डिसलाइक कर देते हैं, है ना खैर तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप फायदा उठा रहे होंगे, और इसलिए मैं भी अपने हिस्से का पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आज हमारे पास काउंट करके लगभग 27 डेज हैं, यदि हम 13 तारीख को पेपर को मानते हैं तो, यदि आपका पहले दिन में ही शिफ्ट आ गया या पहले दिन के बाद, वैसे भी आप शिफ्ट के एनालिसिस और इन्हीं सब में लग जाया करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। चले तो पहले स्टेट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? गुजरात। गुजरात वर्ड जो है वो गुज्जर कम्युनिटी से जनरेट हुआ है। पहले गुजरात बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, आज वही बॉम्बे महाराष्ट्र और गुजरात दो हिस्सों में बट गया है। गुजराती बोलने वाले लोग कह रहे थे कि हम मराठियों के साथ नहीं रहेंगे, और इस कारण से 1960 में गुजरात का निर्माण हो गया भाषा के आधार पर। हमने पहले कल भी सीखा था कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। तो हमने कहा गुजरात वर्ड गुज्जर वर्ड से निर्मित है, और यह हमारा सबसे वेस्टर्न पार्ट है, है ना? जैसे हमारा सबसे ईस्टर्न पार्ट अरुणाचल प्रदेश था, यह हमारा सबसे वेस्टर्न पार्ट है। इससे बहुत सारे सिविलाइजेशन का भी हमें जानकारी मिला है, जिनमें से मेन हमारा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्लस, लोथल हमने कहा था सी पोर्ट है एकमात्र उस समय का, टाइडल पोर्ट है आज के टाइम पे, रामपुर मिला है, आमरी मिला है, ऐसे बहुत सारे फेमस प्लेस हमें मिले हैं। और मित्रों, ये निर्मित हुआ था 1 मई 1960 को, सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे आज का महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र से अलग हुआ था। तो ये हमें जानना चाहिए कि किस स्टेट से अलग हुआ था। तो हमने कहा कि महाराष्ट्र से अलग हुआ था, और किस बेसिस पर? तो गुजराती लैंग्वेज के आधार पर। इन्होंने कहा कि गुजराती बोलने वाले लोग मराठी बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे। इसका जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है गांधी नगर। और मित्रों, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका वो गुजराती है। गुजराती के साथ हिंदी का भी यूज कर रहे हैं, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाए तो। स्पोकन लैंग्वेज क्या है? तो हर स्टेट में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो यहाँ पर भी मराठी बोली जाती है, भील बोली जाती है, उर्दू, राजस्थानी, कच्छी, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज द ज्वेल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम का आभूषण कहा जाता है, ज्वेल, ज्वेलरी, आभूषण कहा जाता है। इट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, है ना? मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? तब तक आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सूती वस्त्र यदि जानते हैं, कॉटन जानते हैं, तो आप कर सकते हैं। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कपास का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कोई है तो गुजरात ही है। मोदी जी का गुजरात है ना, आज मोदी जी ने फेसबुक पे गुजरात के रेलवे स्टेशन को भी प्रमोट किया था। आज पूरा एक तरीके से गुजरात ही समझो कि भारत पर शासन कर रहा है, और भारत को एक मजबूत दिशा की तरफ लेके जा रहा है। लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसर है भारत का। आप जानते हैं कि साल्ट प्रोडक्शन में इंडिया तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे साल्ट प्रोडक्शन में चाइना, दूसरे नंबर पे साथियों यूएसए, और तीसरे नंबर पे इंडिया। और उसमें से भारत में पहला जो है वो गुजरात है, लगभग दो तिहाई, लगभग 70% हिस्सा यहीं से प्रोड्यूस किया जाता है। ये मूंगफली का भी सबसे बड़ा
प्रोड्यूसर है, ग्राउंड नट भी सब जगह यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। और सबसे पुराने सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये एग्जाम्पल है। चलें अब साथियों, अगला है कि निक नेम, कुछ इसके सिटीज़ के क्या क्या निक नेम है। तो निक नेम में पहला है अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम किस नाम से, बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो बोस्टन या मैनचेस्टर दोनों पूछा जाए तो दोनों का जवाब क्या होगा साथियों, अहमदाबाद ही करना है। सूरत को हम किस नाम से जानते हैं, तो सूरत को हम सिटी ऑफ डायमंड के नाम से, हीरे का शहर के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ ब्रिज, पुलों का शहर कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, तो ये कई सारे नाम से हमें जानना चाहिए। सूरत को डायमंड सिटी, सिटी ऑफ ब्रिज पुलों का शहर, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, और अहमदाबाद को बोस्टन और मैनचेस्टर दोनों नाम से हम जान रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें, जो ज़रूरत होगा लिख भी लेंगे, ये पॉपुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे श्री मेहदी नवाज। सर श्री मेहदी नवाज वाज द फर्स्ट गवर्नर। पहले जो गवर्नर हैं वो मेहदी नवाज हैं, लगभग 5 साल ये रहे हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जीवराज मेहता, फर्स्ट सीएम वाज जीवराज मेहता। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वाज द तारिकमल देसाई। ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जानते हैं कि पहले ये महाराष्ट्र में ही था, महाराष्ट्र से अलग हो गया है। चल साथियों, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें, ज्वार, राइस, वीट, टोबैको, कॉटन में, ग्राउंडनट में, ये इंडिया में पहले पोजीशन पर है, ये हमें जानना चाहिए। एरिया कितना किलोमीटर है हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट है, तो फॉरेस्ट एरिया लगभग 11.18% है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना हर स्टेट का याद करना। बॉर्डर लाइन किससे किससे मिलता है ये हमें जानना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर किससे मिल रहा है, ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये पाकिस्तान से, ये थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप कर लेंगे। गुजरात के ईस्ट नॉर्थ में कौन सा आएगा साथियों, तो गुजरात के नॉर्थ में आएगा राजस्थान। आप यदि मैप को देखते हैं, गलती से मैं मैप नहीं अटैच कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अपने वैसे इंडिया के मैप को समझते हैं। तो ऊपर की तरफ कौन सा, राजस्थान, और पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ कौन सा, मध्य प्रदेश। वेस्ट की तरफ क्या, ओशियन समंदर, और साउथ की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ कौन सा साथियों, महाराष्ट्र। तो तीन स्टेट इसके साथ मिल रहे हैं, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कोस्टल प्लेन यदि किसी का है तो वो गुजरात का ही है। गुजरात में ही टाइडल पोर्ट है, कांडला पोर्ट। तो कांडला है हमारा पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। दादर नगर हवेली और दमन दीव महाराष्ट्र और गोवा के बीच में ही स्थित है, सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ही स्थित है। और ये बगल में ओशियन कौन सा है, अरब ओशियन है, इतना आप जानते होंगे। GI टैग किसका किसका मिला है, तो ये आपको याद करना चाहिए। सिनखेंडा फर्नीचर को मिला है, अगस्टस ऑफ कैम्बे कच्छ एम्ब्रॉयडरी को मिला है, तंगलिया सावल को मिला है, सूरज जारी क्राफ्ट को मिला है, गिर केसर मैंगो को मिला है, भालिया वीट को मिला है, कच्छ सॉल को मिला है, पटोला और पाटन को मिला हुआ है। तो ये आपको जानना चाहिए, और ये आपको जानना क्या है, रट लेना है। थोड़ा थोड़ा यदि जगह की समझ रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारे जगह के नाम से ही हैं। रीजनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं इनके पास, तो देखो ये जो पहला फेस्टिवल आपके सामने दिया गया, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मधुवेरा डांस फेस्टिवल ये भी आ चुका है, मोढ़ेरा डांस फेस्टिवल आ चुका है, कच्छ महोत्सव, भावनाथ महादेव फेयर, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल, जन्म सप्तमी और भद्र पूर्णिमा, डांस गरबा आ चुका है। वैसे भी आप जानते हैं इनके पास ट्राइब कौन कौन से हैं, बारदा है, बोलचा है, भरवाद है, भील है, चारण है, ये सारे के सारे इनके ट्राइब्स हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं इनके पास, ब्लैक बग नेशनल पार्क है इनके पास, इसी तरीके से गिर नेशनल पार्क है साथियों, मैरिन नेशनल पार्क है, और बनसंदा नेशनल पार्क भी इनके पास है, इसी तरीके से बर्ड सेंचुरी भी इनके पास है, और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये आपको एक बार रट लेना होगा, गागा बर्ड सेंचुरी, काजी डिया बर्ड सेंचुरी, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। गागा ग्रेट इंडिया, बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ, गिरनार, तो ये आपको एक बार एक एक नज़र देख लेने होंगे। ये मैटर हम आपको
क्लास के जस्ट बाद पीपीटी में पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे। नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरेनम सरोवर, ये सारे के सारे आपके पास देख रहे होंगे, बहुत सारे सेंचुरीज इनके पास हैं, बहुत सारे नेशनल फॉरेस्ट हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनका क्या क्या है, चंपानेर है, पावागढ़ है, आर्कियोलॉजिकल पार्क है, रानी की वाव ऑफ पाटन है ना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क या चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये एक ही है और ये दूसरा, दो है यूनेस्को में। फेमस स्टेडियम कौन सा है, मढ़ेरा सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, अब इसका नाम बदल करके अपने मोदी जी के नाम पे हो गया है। और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, आईपीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है ना, तो ये सारे के सारे कई सारे स्टेडियम बना दिए, सी वी पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मोनूमेंट्स क्या है, पावागढ़ फोर्ट है, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरीके से अभी जान रहे होंगे आप, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति भी बना दी गई है यहाँ पर है ना, तो ये आपको जानना चाहिए। मोनूमेंट्स देख रहे हैं आप, राजमहल है, लक्ष्मी विला है, देवगिरी निवास है, दौलत निवास है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इनके पास क्या है, सोमनाथ टेम्पल, गिर नेशनल पार्क, रानी की बाव, चंपानेर, पावागढ़, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लोथल भी जाते हैं बहुत सारे लोग घूमने के लिए, भुज, द्वारका, कच्छ, पाटन, बहुत सारे फेमस जगह। रिवर्स कौन कौन से इनके पास, तो रिवर्स के नाम पे आप देखो ध्यान से, नर्मदा है, सरस्वती है, बनास है, ताप्ती है, भोगवा है, दमन गंगा है। लेक्स कौन कौन सा है, तो लेक्स आप जानते हैं, चंदोला लेक है, हमीरसर लेक है, इस तरीके से कई सारे लेक्स भी इनके पास है। डैम्स, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, दंतीवाड़ा डैम बनास रिवर पर, उकाई डैम ताप्ती रिवर पर, धरोई डैम ये आता रहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डैम। इसी तरीके से धोली धाजा डैम भोगवा रिवर पर, तो ये आपको याद रखना होगा। अब ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास एम्बलम कौन कौन से हैं, तो एम्बलम प्रतीक के रूप में नेशनल एम्बलम का यूज करते हैं, अशोक स्तंभ का यूज करते हैं। एनिमल में कौन सा, एशियाटिक लायन, भारत का ही एनिमल भी यही है, बंगाल टाइगर हालांकि इनका एशियाटिक लायन है। और बर्ड में ग्रेटर फ्लेमिंगो का यूज कर रहे हैं, इनका साइंटिफिक नाम भी आपको देखना होगा, पेंथेरा लियो पर्सिका फोनिकोप टूपोरस रेसियोस, ये आपको याद करने होंगे। फ्लावर मैरीगोल्ड, और साथ ही ट्री बनियान ट्री है, बरगद का पेड़, इसका भी आपको याद करना होगा। फेकस बेंगुलेसिस, और फ्रूट्स में हमारा जो है वही मैंगो। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनके पास, बड़ोदरा एयरपोर्ट है, सूरत एयरपोर्ट है, राजकोट एयरपोर्ट है, और कांडला एयरपोर्ट है, भावनगर एयरपोर्ट है, पोरबंदर एयरपोर्ट है। हाइड्रो पावर प्लांट इनके पास भी बहुत सारे हैं, कांदना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, सरदार सरोवर कैनाल, उकाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इनके पास कौन सा है, काकरापारा बैरा में, और साथ ही सोलर पावर प्लांट में ये भी नंबर वन, मतलब गुजरात और राजस्थान में कंपटीशन रहता है हमेशा। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है, ये हमने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे सिखा दिया है। ये बेसिकली मतलब ये आपको रटने होंगे, हो सकता है आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि सर कर क्या रहे हैं, तो ये हमारी मजबूरी है प्रोफेशनली कि हम आपको बस एक बार दिखा दें कि किस किस तरीके के फैक्ट आपको पढ़ने हैं, और फिर इससे महत्वपूर्ण जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लेवल पर वो हम आपके सामने डिस्कस कर दे रहे हैं। चले कह रहे आज अच्छे लग रहे हो, वैसे डेली अच्छे नहीं लगते थे ना, कमजोर आदमी का कोई मजाक उड़ा लेता है भाई है ना, इधर घर वाले मजाक उड़ाएं, इधर तुम स्टूडेंट उड़ाएं, टीचर जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। गुज्जर कम्युनिटी के आधार पर गुजरात नाम का नाम रखा गया, अभी हमने बता दिया था। चल गुजरात वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तभी हमने देखा था कि गुजरात को महाराष्ट्र से 1960 में अलग किया था, बताओ जल्दी कितना तारीख था, 1 मई था क्या, कोई डेट भी बताओ। गुजरात की राजभाषा क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात, तभी हमने सीखा था गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती, और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है,
चलें बताइए। गुजराती, गुजरात की राजधानी क्या है? अभी ये तो मतलब मजाक ही है, लेकिन चलो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी रहना चाहिए कि गुजरात की राजधानी क्या है साथियों? गांधीनगर। 1 मई 1960। यस, गुजरात इज नोन एज, गुजरात को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने कहा था इट इज नोन एज द ज्वेल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत का आभूषण कहा जाता है। ज्वेल्स ऑफ वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत का आभूषण। चल, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो हमने कहा गुजरात मूंगफली का, ग्राउंडनट का और साल्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और हमने कहा कि इंडिया का तीसरा पोजीशन है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे इंडिया। गल्फ ऑफ खंबात इज ओल्डर देन विच सिविलाइजेशन? खंबात की खाड़ी इतनी पुरानी है जितनी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। चल, गुजरात में भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है तो किस चीज का? तो ऑप्शन वाइज मूंगफली। गुजरात सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है किसका? मूंगफली का। विच सिटी ऑफ गुजरात इज ऑल्सो नोन एज द बोस्टन ऑफ इंडिया? तो अभी हमने सीखा था बोस्टन पूछा जाए, मैनचेस्टर पूछा जाए, दोनों का जवाब क्या होगा साथियों? अहमदाबाद ही होगा। तो यहाँ पर हमने बोस्टन पूछ लिया। किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहेंगे साथियों? तो ये भी अहमदाबाद को ही कहेंगे। और डायमंड सिटी किसको कहेंगे? सूरत को कहेंगे। डायमंड सिटी आ ही गया, डायमंड सिटी हीरो का शहर, तो हीरो का शहर क्या है? सूरत। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के पहले गवर्नर कौन थे? तभी हमने बताया था कि गुजरात के पहले गवर्नर जो जिन्होंने 5 साल गुजरात में शासन किया, श्री मेहदी नवाज जंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर। कुछ फायदा उधर हो रहा है इस सेशन का? आप लोग की डिमांड थी कि लाओ, इसलिए हम लेकर के आए हैं स्टेट वाला, नहीं तो हम ज्योग्राफी ही लेके आने वाले थे। तो यदि आप लोग को फायदा हो रहा होगा तो इस सेशन को कंप्लीट करा दिया जाएगा, 4-5 क्लास और लगेगी। डॉक्टर जीवराज मेहता वाज द फर्स्ट सीएम, जीवराज मेहता जो है वो पहले सीएम थे। गुजरात के किस शहर को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? क्लू हम दे दे रहे हैं आपको, जिसको डायमंड सिटी कहते हैं उसी को हम टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। सर रिक्वेस्ट है प्लीज़ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करो। विशाल राव, किस दिन का पीडीएफ नहीं दिया गया है बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस दिन का पीडीएफ नहीं दिया गया। सूरत। विच सिटी ऑफ गुजरात इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ब्रिज? गुजरात के किस शहर को पुलों का शहर भी कहा जाता है? अभी हमने बताया था कि पुलों का शहर, सिटी ऑफ टेक्सटाइल, डायमंड सिटी, सब किसको कहते हैं साथियों? सूरत को कहते हैं। विच सिटी इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन इन गुजरात? अब ये मतलब कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, हर स्टेट में सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो कच्छ को बोलने वाले लोग कच्छी और उर्दू भी बोलते हैं, तो बी ऑप्शन। चलो सर, कल का भी नहीं मिला सर। क्या साथियों कल का हमने पीडीएफ अपलोड नहीं किया है? बताओ तो, ये कौन से चैनल पे सर्च कर रहा है? ये लग रहा है किसी गलत चैनल पे सर्च कर रहा है। ग्रेट टीचर के नाम से सर्च करो, ग्रेट टीचर के नाम से जो टेलीग्राम आएगा वो अपना अपना टेलीग्राम चैनल है। गुजरात शेयर इट्स बाउंड्री विद द विच ऑफ द इंटरनेशनल कंट्री? गुजरात किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो गुजरात अपनी सीमा को साझा करता है किस देश के साथ? दैट इज पाकिस्तान, है ना? हमने 3 स्टेट बोले थे, गुजरात राजस्थान के साथ, एमपी के साथ, महाराष्ट्र के साथ, और देश के लेवल पर ये पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री को साझा कर रहा है। गुजरात इज ऑल्सो शेयर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स साउदर्न फ्रंटियर विद द विच यूटी? हमने बताया था गुजरात एक यूटी के साथ भी, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक यूटी है जिसका नाम आज के टाइम में दमन दीव दादर नागर हवेली हो गया है। चल, क्या ना क्या दे रहे हैं, कौन से चैनल पे? चल,
गुजरात शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच स्टेट इन द ईस्ट? गुजरात पूरब में किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ईस्ट में, बताइए तो ईस्ट में किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। सर आई एम इन 12th, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर SSC CGL? यू शुड फर्स्टली कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड कॉलेज जाना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कम से कम जी लो यार, पढ़ाई के बाद और शादी के बाद तो ऐसे भी कुछ नहीं होना है, नौकरी के बाद तो अभी तो जी लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजनल फेस्टिवल ऑफ गुजरात? निम्नलिखित में से कौन गुजरात का क्षेत्रीय त्यौहार है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, कच्छ महोत्सव, जन्माष्टमी। तो हमने क्या कहा था, ये सारे के सारे गुजरात सेलिब्रेट कर रहा है। अपने चैनल पे भी कुछ पढ़ा दिया करो। हाँ अपने चैनल पे तो मुझे गुरुकुल के बारे में वीडियो बनाना नहीं बना पा रहा हूँ कि गुरुकुल के बैच स्टार्ट हो गए और गुरुकुल क्या नया कर रहा है, किस तरीके से गुरुकुल की जरूरत है, क्या गुरुकुल आपके लिए कर सकता है। विच डांस फॉर्म इज सेलिब्रेटेड इन गुजरात? गुजरात में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? भांगड़ा, गरबा, बोथ ऑफ दिस? तो गुजरात में दोनों मनाया जाता है, भांगड़ा गरबा। भांगड़ा नहीं मनाते हैं, सही, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? भांगड़ा नहीं मनाते, गरबा गरबा मनाते हैं। यस, भांगड़ा तो पंजाब का हो जाए, भांगड़ा तो पंजाब का हो जाए। गरबा, आप भी जाके किसी के साथ गरबा कर भी खेल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है? बताइए कौन सा कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो कौन सा साथियों, मैरिन नेशनल पार्क। मरीना ब्रिज कहाँ पर है? मुंबई में, लेकिन मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। सर एक बार अपना चैनल बता दीजिए PDF के लिए। साथियों इस बच्चे को PDF के लिए लिंक दे दो चैनल का। गुजरात शेयर इट्स बाउंड्री विद विच स्टेट इन नॉर्थ? गुजरात के साथ नॉर्थ में किसकी बाउंड्री मिलती है, बताइए किसके साथ नॉर्थ में मिल रही है? तो किसके साथ साथियों, राजस्थान के साथ नॉर्थ में, MP के साथ ईस्ट में, महाराष्ट्र के साथ साउथ ईस्ट में। चले गुजरात शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच स्टेट इन द साउथ ईस्ट? दक्षिण पूर्व में किसके साथ मिलता है? तो अभी हमने बता ही दिया दक्षिण पूर्व में किसके साथ साथियों, अब तो यह आपको बताना पड़ेगा, ये जवाब आपको देना होगा। तो ये कहां पर साथियों, महाराष्ट्र में। विच यूनेस्को साइट, देखो एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा नॉर्थ और साउथ और वेस्ट, आप एग्जाम में बस ये आएगा कि किसके साथ गुजरात की सीमा मिलती है, किसके साथ नहीं मिलती। लेकिन हमने जानबूझ के डिटेल करा दिया था कि आपके एग्जाम में यहाँ तक रहेगी कौन सा कहाँ है। जल्दी मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा कौन सा स्टेट किसके नज़दीक में, जैसे ये कवर हो जाएगा तब फिर आपको हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए स्कैन हो जाएगा। फिर उसी मैप से हम लोग सीख जाएंगे कि लोकसभा में किसके पास कितनी सीट है, राज्यसभा में किसके पास कितनी सीट है, वहाँ से भी क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाता है। गुजरात के यूनेस्को साइट द क्वींस स्टेप वेल्स इज सिचुएटेड इन पाटन। क्वीन स्टेप वेल्स कहाँ पर है साथियों? पाटन में, रानी की वाव। चैनल का लिंक शेयर कर दो कोई PDF के लिए। चैनल का लिंक जब भी तुम सर्च करोगे कि सबसे बढ़िया चैनल कौन सा जिसमें, तो आपको एक ही नाम आएगा। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ गुजरात? गुजरात के राष्ट्रीय वृक्ष का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? तो हमने कहा था कि जो भारत का है वही इनका भी है। तो भारत का क्या है? बेनियान, बरगद। तो यदि बरगद आप कर रहे हैं तो ठीक है, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स ऑफ गुजरात इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ? निम्नलिखित में कौन सा स्मारक रन ऑफ कच्छ में स्थित है? तो कौन सा साथियों? झिंझुवाला फोर्ट, झिंझुवाला किला इज सिचुएटेड इन गुजरात।
सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑफ विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ताप्ती नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी और यमुना नदी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर साथियों? नर्मदा नदी पर। वैसे भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से। विच वन इज द नोन एज एनिमल ऑफ गुजरात? हमने कहा भारत का एनिमल बंगाल टाइगर है, लेकिन गुजरात को का सिंबल क्या है? पधारो मारो देश, कभी एक रात गुजारें गुजरात में, ऐसा कहते हैं। नहीं, एशियाटिक लायन, तुम जो बेवफा हो के किसी और से वफा करने लग गए। विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर पावर प्लांट्स इज लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट? कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र कच्छ जिले में स्थित है? अब देखो, इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको ये जानना है कि सोलर प्लांट कहाँ पर है सबसे बड़ा गुजरात का, दैट इज द बिट्टा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने जानबूझ के डाले, जैसे ये आपको उकाई डैम किस जिले में है, ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सूरत में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डज नॉट फ्लो इन द गुजरात? निम्नलिखित में कौन सी नदी गुजरात में नहीं बहती है? ची ऑप्शन चीख चीख के कह रहे हैं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहाँ आती जाती है, सारा का सारा आपको पढ़ा रखा है। चल, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ गुजरात इज ऑल्सो नोन एज चिंकारा? गुजरात के किस वन्य जीव अभयारण्य को चिंकारा के नाम से भी जाना जाता है? नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वस्तर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो निम्नलिखित में से किसे चिंकारा के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज चिंकारा? तो किसे साथियों? नारायण सरोवर। चल, पुलियम हस्क इज द सेकेंड नेम ऑफ, अभी ये फालतू क्वेश्चन है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इस सब गोल के लिए कहते हैं तो कोई जरूरत नहीं। तो ये कुछ काम के दो चार पॉइंट थे, ये हमने आपको बता दिए। अब हम साथियों गुजरात के बाद कहाँ पढ़ने वाले हैं, गुजरात के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। गुजरात के बाद हम पढ़ने वाले हैं साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम लोग पढ़ने वाले बिहार। वी आर गोइंग टू रीड बिहार। कुछ सीखने को मिल भी रहा है ना भाई, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत टफ टास्क है, ये पहली बार मैं ये सब पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत इरिटेटिंग है ये इसमें से। लेकिन मेरे बच्चों, आपको थोड़ा सा रटना होगा, ध्यान रखिएगा। क्या रटना होगा? इनका जीआई टैग। क्या रटना होगा? इनके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करना होगा। बिहार, बिहार भारत का सबसे ग्रेटेस्ट स्टेट हुआ करता था, लेकिन अपने शोषण की वजह से आज बिहार एक समस्याओं का राज्य बना हुआ है। कोई पर्सनल मत लेना, मेरा भी संबंध बिहार से ही है, मेरा ननिहाल है बिहार में, मेरा बर्थ प्लेस बिहार है। मैं हूँ जरूर, हम रहे जरूर यूपी रहे, लेकिन बर्थ प्लेस हमारा बिहार ही है, सिवान में। तो ये कोई मतलब नहीं कोई करने लगना कि बिहार का इंसल्ट कर रहे हैं, हम हमें पता है कि क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिहार किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है थोड़ा देख लो। इंटरनेशनल लेवल पर किसके साथ साथियों? नेपाल के साथ। देश के राज्य के लेवल पर यूपी के साथ, राज्य के लेवल पर झारखंड के साथ और राज्य के लेवल पर वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये तीन स्टेट के साथ और एक कंट्री के साथ। और साथियों कई सारे मामलों में बिहार पीछे रहता है, अब ये अपने लिए भी एक दुख की बात है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ वहीं मिलेगी जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पर लोग नहीं आते जाते हैं। पहले बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जब बंगाल का डिवीज़न कैंसिल किया गया 1912 में, तो उसके बाद बंगाल को से अलग करके बिहार बना दिया गया 22 मार्च 1912 को, और फिर
1 अप्रैल 1935 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो मतलब बंगाल से बिहार और बिहार से उड़ीसा और फिर अभी बिहार से झारखंड 2000 में अलग कर दिया गया। बिहार की कैपिटल है पटना, है ना, और बिहार के लोग बोलते हैं ऑफिशियली हिंदी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मैथिली, संथाली, पता नहीं कितने लैंग्वेज बोलते हैं, अनलिमिटेड ही बोल देते हैं मुझे लगता है, भोजपुरी। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये मतलब बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई या जो निर्वाणा हुआ, ये सारा का सारा, निर्वाणा तो नहीं कही, ज्ञान की प्राप्ति सारा का सारा बुद्ध बिहार वाले एरिया में होगा। ये इसका मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल मगध भी बिहार से ही संबंध रखता है। चल साथियों, बाई कैमरा लेजिस्लेचर द्विसदनी विधायिका है इनके पास। 58% पीपल इन बिहार आर बिलो एज ऑफ 25 ईयर, गिविंग बिहार द हाइएस्ट प्रपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन पीपल ऑफ एनी इंडियन स्टेट। सबसे ज़्यादा यंग आबादी यदि किसी के पास है अभी तो बिहार के पास ही है, तो इसलिए बिहार के पास बहुत दम्ब है, बिहार में दम्बा ऐसा बोलते हैं। मुजफ्फरपुर इज नोन एज द लैंड ऑफ लीची, मुजफ्फरपुर को हम लीची का भूमि कहते हैं, भागलपुर को हम सिल्क सिटी कहते हैं, गया को हम बुद्ध गया, बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए हम सिटी ऑफ इनलाइटमेंट कहते हैं, एंड नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, दैट इज लैंड ऑफ नॉलेज। मुजफ्फरपुर लैंड ऑफ लीची और भागलपुर सिल्क सिटी के रूप में आपको याद रखना है। चले साथियों, फर्स्ट गवर्नर इनके जयराम दास दौलतराम है, एंड फर्स्ट सीएम वाज कृष्णा सिंह, फर्स्ट सीएम जो है कृष्णा सिंह हैं, और कृष्णा सिंह इज ऑल्सो नोन एज श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉप कोई ऐसा खास नहीं इनके पास, फॉरेस्ट एरिया लगभग 7% ही है। स्टेट बॉर्डर किसके किसके साथ, हमने कहा वेस्ट बंगाल इन ईस्ट, उत्तर प्रदेश इन वेस्ट एंड झारखंड इन साउथ। चले और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ, नेपाल के साथ मिला रहे हैं। इनका जो एनिमल है वो कौन सा है, गौर, गौर इज द मिथुन, गाय का कुछ दूसरा रूप कह लीजिए। बर्ड जो है हाउस स्पैरो जो गौरैया कहते हैं वो। स्टेट फ्लावर जो है मैरी गोल्ड या कचनार कहते हैं, है ना, कचनार हिंदी में कह सकते हैं। और फ्रूट्स इनके पास भी मैंगो ही है, तो हमने कहा बर्ड में स्पैरो, गौरैया, नेशनल एनिमल मिथुन, गौर, फ्लावर कचनार, और स्टेट ट्री पीपल। चले नेशनल पार्क इनके पास एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी कनवार लेक बर्ड, बिरला झील, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये आ चुका है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, और गो लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने देखना है, गौतम बुद्धा, केवर झील, ये सारा का सारा आपको याद रखना होगा। उदयपुर, हाँ, मधुबनी पेंटिंग कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, खटवा, भागलपुर सिल्क, सुजनी एम्ब्रियाई वर्क, तो ये कुछ इनके जीआई टैग हैं, और भी हैं, वो हमने लिस्ट आपको दिया हुआ है जीआई टैग वाला। रीजनल फेस्टिवल इनके पास सामा चकवा, भिलुला, छठ पूजा, सोनपुर फेयर, सोनपुर वाला आ चुका है एग्जाम में। डांस फॉर्म इनके पास जाट जाटनी इसी बार आया था एग्जाम में, कजरी डांस, सोहर खिलौना डांस, झुमरी डांस, ऐसे बहुत सारे डांस इनके वहाँ सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। उरान ट्राइबल इज द मोस्ट पॉपुलस ट्राइबल इन द स्टेट, सबसे अधिक यहाँ पर अरोन ट्राइबल हैं, लोरा ट्राइबल और संथाल ट्राइबल भी पाए जाते हैं। यूनेस्को के लिस्ट में दो हैं, एक तो महाबोधि टेम्पल है ना, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, और कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, बोध गया का जो कॉम्प्लेक्स है वो यूनेस्को के लिस्ट में। फिर
फेमस स्टेडियम मोइन उल हल्क स्टेडियम और राजेंद्र नगर स्टेडियम लोकेटेड इन पटना एंड संजय गांधी जैविक उद्यान और मोनूमेंट्स मैसेर शाह सूरी टोम सासाराम बिहार में स्थित है। इसके अलावा बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन में भी बहुत सारे जगह है, बोधी ट्री है ना, राजगिरी हॉट स्प्रिंग मोनूमेंट्स, मतलब अनलिमिटेड ही कह लीजिए टूरिस्ट स्पॉट। रिवर्स गंगा है जो बिहार को बीचों बीच बांटती है, कोसी है इनका शोक कहा जाता है, सोन ओरिजिन फ्रॉम अमरकंटक एंड ज्वाइन द गंगा नियर पटना, डैम्स नागी डैम नागी रिवर पर, कोयरा डैम कोयरा रिवर पर, लेक्स कनवार ताल छोरा कटोरा, वाटरफॉल भी कई सारे इनके पास है, थर्मल पावर प्लांट बरौनी थर्मल पावर प्लांट एग्जाम में आ चुका है, फेमस एयरपोर्ट लोकनायक पटना में है, दरभंगा एयरपोर्ट डिफेंस माला के अभी शुरू कर दिया है दरभंगा आम आदमी के लिए भी। तो ये हमारे लिए एक बेसिक सा पॉइंट है। अब आपको सीखना है बिहार लाइज बिटवीन द वेस्ट बंगाल इन ईस्ट एंड वेस्ट में, अभी हमने सीखा था कि इसके ईस्ट में वेस्ट बंगाल और तो वेस्ट में कौन सा है, तो हमने पढ़ा था कि कौन सा है वेस्ट में साथियों, उत्तर प्रदेश यूपी। चलो ओके, बिहार की कैपिटल पटना छोड़ो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिहार किस देश के बॉर्डर से मैच करता है, तो किस देश से साथियों, पटना से। बिहार प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच रिवर, बिहार का तल किस नदी के निक्षेपण से बनता है, तो हम जानते हैं कि बिहार जो बना है गंगा के निक्षेपण से बना हुआ है, तो यदि ऑप्शन में गंगा है क्या, तो जवाब है कि हाँ ऑप्शन में गंगा है। विच रिवर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बिहार एंड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बिहार के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है, तो कौन सा साथियों, गंगा। विच साउथ बिहार शेयर द बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बिहार के साउथ में कौन सा स्टेट है, तो आप जानते हैं बिहार के साउथ में कौन सा, झारखंड है। वेस्ट में यूपी, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल और नॉर्थ में नेपाल। बिहार के गठन की सही तिथि क्या है, तो बिहार जो बना था वो 1 अप्रैल 1936 को बना था, 1935 के एक्ट के द्वारा हमने बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया था, और हमने सीखा था कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से हमने बिहार को अलग कर दिया था। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन, बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया और बिहार बना कब, तो बिहार बना कब तब आपने करना है 22 मार्च 1912, ये ध्यान रखना है, लेकिन बिहार से उड़ीसा को अलग करके बिहार का गठन कब किया गया, तो ऑप्शन में होना तो चाहिए साथियों 22 मार्च वाला 1912 वाला, तो नहीं है तो ये ले लेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार इज, बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है साथियों, हिंदी है ना, हिंदी में ऑफिशियल कामकाज किया जाता है। चलो बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, हिंदी। बिहार किस राजवंश की राजधानी थी, तो आप जानते हैं बिहार का मौर्य डायनेस्टी की राजधानी क्या थी, मगध, तो इस ऑप्शन वाइज क्या हो जाएगा साथियों, मगध, ये सॉरी मौर्य डायनेस्टी। कह रहे इतनी जल्दी याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा। बिहार किस धर्म के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है, तो बिहार हिंदू धर्म सॉरी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। चलिए, विच सिटी ऑफ बिहार इज ऑल्सो नोन एज ए सिल्क सिटी, अभी हमने पढ़ाया था कि बिहार का सिल्क सिटी यदि पूछा जाए तो आपने किसको करना है, किसको करना है साथियों, भागलपुर। सिटी ऑफ गया इज नोन एज सिटी ऑफ इनलाइटमेंट, प्रबोधन का
इनलाइटमेंट का सिटी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। विच सिटी हैज द स्टेटस ऑफ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल, किस शहर को युवाओं के उच्चतम अनुपात का दर्जा प्राप्त है? तो सबसे ज्यादा युवा कहाँ पर है? बिहार में 1/4 ऐसे, जो 20% 25 के से कम है। सिटी ऑफ लीची, सिटी ऑफ लीची, लीची का शहर किसे कहा जाता है? तभी हमने पढ़ा था मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर इज नोन एज सिटी ऑफ लीची। क्या साथियों बहुत फास्ट हो जा रहा है क्या? कोई कह रहा है कि बहुत फास्ट हो जा रहा है, तो मेरा मानना है 27 दिन बाद हमारा पेपर है, तो हमें थोड़ा 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 निकलना है। ये तो मैं, तुमको क्या लगता है, 1 घंटे क्लास में 4 स्टेट भी हो जाए और लगभग 200 MCQ भी हो जाए तो इतनी आसानी से हो जाएगा? नहीं होगा। एक स्टेट पढ़ाने पढ़ाने में मतलब PCS में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। पूरी पूरी बुक ही है इतनी मोटी मोटी। साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और बताते हैं कि लगभग 6 महीने तक वहाँ की बुक इतनी ज्यादा थी कि जलती ही रही, लाइब्रेरी में आग लगा दी थी उसने। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हम आपको क्लू देते हैं, गुप्त डायनेस्टी के शासक ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का शहर, ज्ञान की भूमि, किसको कहते हैं साथियों? नालंदा को। टोटल एरिया ऑफ बिहार इज, तो ये कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे बता दे रहे, 99,200 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन जरूरत नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे बताइए? श्री जयराम दास। क्या जयराम दास ही कर रहे हैं क्या? चल, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ही इज ऑल्सो नोन एज बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से भी जानते। अब बिहार के पहले मुख्यमंत्री ने कब से कब तक शासन किया, ये कोई जरूरत की बात नहीं है, लेकिन मान लो हमें जरूरत है ही तो हम करा दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं है। लगातार 15-16 साल तक इन्होंने शासन किया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे कौन? तो बिहार के पहले CM कौन थे साथियों? तो पहले CM कृष्णा सिंह थे। चलो, बिहार का नेशनल एनिमल विच इज ऑल्सो नोन एज मिथुन, तो हमने कहा था बिहार का नेशनल एनिमल क्या है? गौर, याद रहेगा। चल, वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ बिहार, बिहार का जो ट्री था वो क्या था? पीपल था, तो पीपल का साइंटिफिक नेम क्या है? फिकियस रिलिगुएशिया। चल, फिकस रिलिगोसा। बिहार का ट्री तो पीपल ट्री, अभी हमने पढ़ी लिया पीपल का पेड़। बिहार का राज्य फल वही जो देश का नेशनल फ्रूट मैंगो, गुजरात का भी यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार, बिहार का फूल कौन सा है? बिहार का फूल अभी हमने बताया था आपको, बताइए। मैरीगोल्ड, नहीं, गेंदे का फूल। स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, बिहार का स्टेट बर्ड क्या था? तो हमने कहा था स्पैरो, गौरैया, तो यहाँ पे क्या दे दिया गया? हाउस स्पैरो। स्पैरो जनरली बिहार घर में ही रहते हैं। कितना परसेंट हिस्सा में फॉरेस्ट है? तो ये जरूरत नहीं है, बस वैसे हम क्वेश्चन है तो बता दे रहे, ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। द न्यू स्टेट ऑफ क्रिएटेड फ्रॉम बिहार, साउदर्न प्रोविंस, बिहार के दक्षिणी हिस्से में है जो अभी बिहार से अलग करके बनाया गया है, तो कौन सा साथियों? 2000 में झारखंड को। चलो, राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अनदर नेम ऑफ विच सेंचुरी,
राजगिरी वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो राजगिरी वन सेंचुरी को किस नाम से, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। विच ट्राइब इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया, कटिहार और बिहार स्टेट? अभी इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो हमने आप कटिहार या पूर्णिया में लोहरा ट्राइब पाया जाता है, कोई जरूरत नहीं है इस तरीके क्वेश्चन करने की। कौन सा बिहार का नृत्य नहीं है? जाट जाटनी, कजरी, झुमरी, कथक नहीं है। कथक क्लासिकल डांस है जो नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, स्पेशली यूपी, जिसमें हमने कहा था कई सारे घराने हैं। विच वन इज नोन एज द रिलीजनल फेस्टिवल ऑफ बिहार? तो छठ मनाया जाता है क्या? बिहुला भी बोला था, तो दोनों मनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक बिहार में स्थित है? विच मोन्यूमेंट्स इज सिचुएटेड इन बिहार? तो कौन सा साथियों? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा है? हम्पी, एलोरा, महाबोधि, अजंता केव। तो देखो इसमें सारे ही हैं, लेकिन आपको क्या बताना है बिहार का, तो कौन सा? महाबोधि। विच रिवर ओरिजिनेटेड नियर अमरकंटक इन एमपी एंड ज्वाइंस द गंगा इन पटना? अभी पढ़ा था, अमरकंटक से उत्पन्न होती है और गंगा में पटना के नजदीक मिलती है। तो कौन सी साथियों? सोन नदी। बेटा तो किसी और से मिलता है। नागी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? नागी बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागी डैम नागी रिवर पर था, तो कह रहे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सब नहीं। वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कौन सा जलप्रपात कैमूर नदी पर स्थित है? तो कौन सा? करकट। तो ये इस तरीके की जरूरत नहीं है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बस ये जानकर रखना है करकट वाटरफॉल बिहार में है। कौन सा था जो एयरफोर्स के पास था, अभी आम आदमी के लिए भी खोल दिया गया? दरभंगा। सबसे एयरपोर्ट इज द बिहार लॉन्गेस्ट रनवे एयरपोर्ट? बिहार का सबसे लंबा रनवे वाला पोर्ट कौन सा हो गया? तो दरभंगा वाला। लोकनायक वाले में तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा ही है छोटा सा। एक डाटा आया था वर्स्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड या इंडिया, इंडिया शायद था, तो उसमें पटना का ही नाम आया था। कोई बुरा नहीं मानना भाई। कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार के किस स्टेट जिले में है? तो इसके लिए परेशान नहीं होना, बस ये जानना है कहलगांव बिहार में है। विच सिटी इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गुरु गोविंद सिंह? यस, किस शहर को गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? दैट इज पटना। विच ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्री ऑफ अवेकिंग? जागृति का वृक्ष है ना, जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कौन सा? बोधि वृक्ष। किसने किसने काटा था? शशांक ने, और एक और नाम बताओ। दो लोगों का नाम मैंने बताया था जिन्होंने बोधि वृक्ष को कट कर दिया था। साथियों अब जैसे रिमेन्स द एंशियंट पोर्ट ऑफ पंचरुखीगढ़ लोकली नोन एज, पंचरुखीगढ़ को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम बता जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। राजा बाली का गढ़ी। कौन सा अभयारण्य बिहार में नहीं है? विच वन इज नॉट सिचुएटेड इन बिहार? ओखला नहीं है, बाकी सारा बिहार में है। तो ये बिहार के क्वेश्चन होंगे। बिहार के बाद और हमें क्या डिस्कस कर लेते हैं? और चार तो कर सकते हैं ना साथियों, बिहार के बाद आज ये साथियों मारा हरियाणा, देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, ऐसा कौन कहते हैं? हरियाणा के लोग कहा करते हैं। तब तक आप इसको पढ़ें एक बार। हरियाणा हरि का आवास, जहाँ ईश्वर रहते हों, उसको हम हरि हरियाणा कहते हैं। अभी हम आपको हरियाणा से ही पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हरियाणा में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ।
और उससे मैं बड़ी खुश की बात क्या है, मैं पूरे भारत के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहा हूँ, ऑफलाइन भी बुला के पढ़ा रहा हूँ। आप जिस भी स्टेट का नाम लेंगे, लगभग सारे स्टेट से अपने पास बच्चे आ गए। तो हमने क्या कहा, हरि मीन्स गॉड और याना मीन्स होम। तो क्या मतलब हुआ, हरियाणा क्या हो गया, हरि का आवास स्थल हो गया, और बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी में से एक स्टेट है। किस किस राज्य से मिल रहा है, तो इधर हिमाचल प्रदेश से, आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, काश ये जूम हो पाता, कोई बात नहीं, ये हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब, इधर हरियाणा, इधर राजस्थान, इधर दिल्ली, इधर यूपी, इससे मिल रहा है, और चंडीगढ़ तो है ही। और ये पंजाब से अलग करके बनाया गया था, इनका बोलना था कि हरियाणवी बोलने वाले लोग पंजाबी बोलने वाले लोग के सामने, लोग के साथ नहीं रह सकते, और मजबूर होकर के सरकार को हरियाणा से, हरियाणा को पंजाब से अलग करना पड़ गया। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और ये किस लिए जाना जाता है, तो ये पानीपत की लड़ाई के लिए जाना जाता है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के लिए जाना जाता है ना, जब भी किसी को लड़ना होता था तो यहीं आता था। और अब इसके पीछे क्या कारण था पता नहीं, या सैनिक मजबूत थे, या भूमि लड़ने के लिए उपयुक्त थी, जो भी है। मित्रों, कुरुक्षेत्र इज नोन एज सिटी ऑफ महाभारत, महाभारत का शहर। पानीपत इज नोन एज द सिटी ऑफ वेवर्स, बुनकरों का शहर। एंड गुरुग्राम इज नोन एज द मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया। ये सब क्वेश्चन आता रहता है, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, सिटी ऑफ महाभारत किसे कहते हैं, मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। फेमस एयरपोर्ट यहाँ पर अभी हिसार है, करनाल वाला तो चल नहीं रहा, लेकिन चलो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और गवर्नर यहाँ पे पहले जो थे श्री धर्मवीर थे, और फर्स्ट सीएम जो थे बी डी शर्मा थे, और फर्स्ट चीफ जस्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। एरिया फॉरेस्ट कवर में सबसे लोवेस्ट है, ये 6 रेशियो में सबसे लोवेस्ट है। बॉर्डर लाइन हमने कहा था कि पंजाब के साथ, चंडीगढ़ के साथ, यूपी के साथ, और हिमाचल और उत्तराखंड के साथ इसकी बाउंड्री मिलती है। रीजनल फेस्टिवल इनके पास कौन कौन से, तो ये सारे रीजनल फेस्टिवल तो नहीं लिख सकते थे, कुछ मेन लिख दिए, बैसाखी, लोहड़ी, लुग्गा नवमी, इस तरीके की चीज़ें। डांस फॉर्म इनका खोरिया, धमाल, धमाल आ चुका है आपके एग्जाम में, घूमर आ चुका है, और ट्राइब्स भी इनके पास कुछ कुछ हैं। क्रॉप्स सुगर केन, ऑयल सीड्स, राइड्स, लगभग सारा का कुछ ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेशनल पार्क इनके पास, कालेसर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। बर्ड सेंचुरी, भिंडावास बर्ड सेंचुरी और कपरवास बर्ड सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके पास कई सारे हैं। ट्री इनका क्या है, पीपल, बिहार का भी यही था। एनिमल इनका बैक ब्लैक बग, हमने बताया था कि यही एनिमल पंजाब का भी था, और यही एनिमल आंध्र प्रदेश का भी था। और साथियों, फ्लावर इनका लोटस, कमल का फूल, जो नेशनल है वही इनका है। और बर्ड इनके पास ब्लैक फ्रैंकलिन है। चल, बर्ड बर्ड फ्रैंकलिन है, ब्लैक बग एनिमल है, लोटस और पीपल। फेमस स्टेडियम वार हीरोज मेमोरियल, भीम सिंह स्टेडियम इनके पास है, नाहर सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, महावीर स्टेडियम और जनहारा बाग स्टेडियम, द्रोणाचार्य स्टेडियम और राजीव गांधी स्टेडियम। टूरिस्ट अट्रैक्शन में इनके पास भी बहुत कुछ है। रिवर्स यमुना, घग्गर, हाकरा, मारकंडा रिवर, तुंगरी रिवर, टांगड़ी रिवर। लेक्स भी इनके पास कई सारे हैं। थर्मल पावर प्लांट, गोरखपुरा ऑटोमिक सुपर थर्मल पावर प्लांट है, धनबंधु छोटू राम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, और इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। न्यूक्लियर
WYC हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्ट यमुनानगर में। तो ये तो हो गया साथियों बेसिक बेसिक पॉइंट। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 20-22 क्वेश्चन तो आपके ये भी कवर हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा इज द मीनिंग ऑफ सिटी ऑफ गॉड, एबोड ऑफ गॉड, भगवान का निवास स्थल। सर हिंदी में मेरा CHSL एग्जाम है, यूके का भी थोड़ा पोर्शन, सब पढ़ाएंगे भाई, यूके का तो बता ही दिया। सर आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्योर शॉट। यदि आप मेरे बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे श्योर शॉट क्या है, नहीं जानते हैं तो जाने। हरियाणा कब बनाया गया? तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके बनाया गया। चलिए हरियाणा की राजभाषा क्या है? तो हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, तो इसमें से कोई सा भी नहीं, लेकिन मजबूरी है हरियाणवी, लेकिन हरियाणा की राजभाषा हरियाणवी नहीं है। राजभाषा वो मतलब जिसमें सरकारी कामकाज होता है। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, आप सबको पता है। हरियाणा किस प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है? कई सारे युद्ध लड़े गए, ऑप्शन वाइज महाभारत। सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया। हरियाणा के किस शहर को मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, बताओ किसको कहेंगे? तो गुरुग्राम, सब कुछ है। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ विवर्स? बुनकरों का शहर किसे कहते हैं साथियों? पानीपत को कहते हैं। हरियाणा को किस शहर को महाभारत का शहर भी कहते हैं? सिटी ऑफ महाभारत इज नोन एज कुरुक्षेत्रा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था? अभी हमने पढ़ाया था आपको। तो हु वॉज फर्स्ट गवर्नर साथियों? धर्मवीर थे, श्री धर्मवीर थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? नरेंद्र मोदी था क्या? तो जवाब है नहीं सर, बीडी शर्मा था। ओके, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा? हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो आ गया तो देख लेते हैं, रामलाल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर स्पोकन इन हरियाणा? हरियाणा में कौन सी भाषा बोले जाते हैं? पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, सब बोलते हैं। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लीजिए, मैं आपस में बात करूँ भोजपुरी में बोल लूँगा। हरियाणा शेयर्स इस बाउंड्री विथ विच स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट? उत्तर पूर्व में किस स्टेट के साथ मिलता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और साथियों पंजाब। तो किसके साथ साथियों? नॉर्थ वेस्ट में पंजाब के साथ, वैसे बाकी के साथ तो मिलता ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजनल फेस्टिवल ऑफ हरियाणा? हरियाणा के फेस्टिवल कौन कौन से? गंगोरे, लोहरी और गुम्मा गुम्मी, गुग्गा नौमी, ऑल ऑफ दीज। हरियाणा में कौन सा मनाया जाता है? भांगड़ा, धमाल। तो भांगड़ा भी मना लेते हैं, धमाल भी मना लेते हैं। तो जवाब है नहीं सर, सिर्फ धमाल मचाया जाता है, भांगड़ा पंजाब में मचाया जाता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क हरियाणा में? हमने बताया था कि दो ही नेशनल पार्क है इनके पास, कालेसर और सुल्तानपुर। तो बोथ ऑफ दीज। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तो किसके साथ साथियों? हिमाचल प्रदेश के साथ। हरियाणा शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ विच स्टेट इन द नॉर्थ? नॉर्थ में किसके साथ मिलाता है साथियों? उत्तराखंड के साथ। साथियों सब सही कर देंगे क्या आप लोग? हरियाणा का नेशनल ट्री क्या है? हमने बताया था हरियाणा का नेशनल ट्री वही है जो देश का नेशनल ट्री है, पीपल। अच्छा, देश का नेशनल ट्री पीपल ही है, बनियान ट्री है? एक बार ये बता दो, मैं कई बार ये बोल चुका, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया ये एक बार देख ही लेते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है बनियान ट्री है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, देश का राष्ट्रीय वृक्ष
क्या है साथियों? तो देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? जल्दी, देश का राष्ट्रीय ट्री बनियान है। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड इन पंचकुला? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पंचकुला में स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। देश का राष्ट्रीय वृक्ष बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ ठीक कर लीजिएगा, मैं पीपल पीपल बार 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 बोल रहा था। तो कौन सा है साथियों? ताकिया बनवा फकीर। ये परेशान नहीं होना ऐसे क्वेश्चन के लिए। कौशल्या बांध किस नदी पर है? हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौशल्या बांध किस नदी पर? यमुना रिवर पर। हरियाणा का राज्य पशु क्या है? हरियाणा का राज्य पशु क्या है साथियों? तो इसमें तो ब्लैक बग है ही नहीं, तो ब्लैक बग नहीं है तो नन ऑफ दिस नहीं। चले, गलत दिया है आंसर यहां पर। तोजे वाला बराज इज सिचुएटेड एट, तोजे ताजे वाला बराज किस नदी पर स्थित है? बताइए कहां पर या किस नदी पर स्थित है? तो नदी में कौन सा? यमुना। कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? तो ब्रह्मपुत्रा नहीं बहेगी। विच ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में है? तो कौन सा है साथियों? चिलचिला। तो एक बार लिस्ट देख लेंगे तो आप करने की स्थिति में होंगे। अनागपुर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? अनागपुर डैम किस रिवर पर साथियों? हाकरा रिवर पर। चले, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द पालियो चैनल ऑफ वैदिक दृष्टावती रिवर? ओके, किस नदी को वैदिक दृष्टावती रिवर का पूरा चैनल भी कहा जाता है? अच्छा जी, छोड़ देना है फालतू क्वेश्चन है। हिसार जिले में कौन सी झील है? ये आपको जानना चाहिए। तो हिसार जिले में कौन सा? ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड झील है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट इज नॉट लोकेटेड इन हरियाणा? लेकिन कौन सा थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में स्थित नहीं है? कौन सा थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में नहीं है? कांदना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हरियाणा के कुल कितने परसेंट क्षेत्र पर वन है? तो सबसे कम इन्हीं के पास है अभी, 3.62। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू द हरियाणा? जिनमें कौन सी जनजाति हरियाणा से संबंधित है? तो बंगाली जनजाति भी है और कांजर भी है। राजकीय फूल का साइंटिफिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस? तो वैसे भी जानना चाहिए कि जो देश का लोटस वही हरियाणा का लोटस। तो निलंबो न्यूसीफेरा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट बचा है गोवा, तो गोवा भी देख लेते हैं साथियों। देख लेना, लास्ट क्लास में भी मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाया था, तो आज तो पूरा कर ही दें। क्या कहते हो साथियों? बस 15 मिनट दे दो, 15 मिनट में देखिए स्टेट खत्म ही कर दे रहे हैं, मोटा मोटी जो आपको जानना है। चल, सामने गुरुकुल के स्टूडेंट सबको बैठा हो, तू निकम्मे, तू तब से क्या कहे जा रहा है सबको बैठा हो? तुझे मजा नहीं आ रहा है? तेरा एग्जाम नहीं होगा सीजीएल का पक्का, इसीलिए तू चाह रहा होगा आराम आराम से पढ़ाए। इसीलिए तुम ऐसे चाह रहे हो कि आराम आराम से पढ़ाया जाए, इन भाइयों के बारे में नहीं सोच रहे हो जिनका एग्जाम है 15 दिन बाद। गोवा पहले पुर्तगीज के पास था, पुर्तगीज देने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने ऑपरेशन विजय के साथ इन गोवा पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन विजय 2 बार हुआ है, एक गोवा को भारत में शामिल करने के लिए और एक कारगिल पर
कब्जा करने के लिए। 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत हमने इसको भारत में शामिल कर लिया था और फिर इसको यूटी बनाकर रखे थे। फिर 1987 में इसे देश का 25वां राज्य बना दिया गया और इसका कैपिटल जो होता है वो होता है पणजी। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी और इंग्लिश, है ना। आप सबकी जब शादी हो जाएगी तो आप अपने होने वाले बच्चे की मम्मी या पापा को ले करके गोवा भी कई बार घूमने जाएंगे या जाते रहते होंगे किसी और के मम्मी पापा के साथ भी। द पर्ल ऑफ द ईस्ट, इसे पूरब का मोती भी कहा जाता है। द पर्ल ऑफ द ओरिएंट भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे छोटा शहर है, सॉरी छोटा राज्य है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज सिक्किम में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम चल रहा है स्टेट वाइज। चल और फॉरेस्ट एरिया इनके पास ठीक ठाक है, लगभग 60% है इनके पास फॉरेस्ट एरिया। इनके बॉर्डर लाइन में किसके साथ इनका है, नॉर्थ में महाराष्ट्र और साउथ में कर्नाटक के साथ और इधर वेस्ट में अरेबियन ओशियन। फर्स्ट गवर्नर वाज टी शिवशंकर 1961-62। फर्स्ट सीएम वाज द दयानंद भंडारकर और चीफ जस्टिस छोड़ दो। क्रॉप लगभग सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है, पॉपुलेशन हटा दो। डांस फॉर्म आपसे एग्जाम में आता रहता है, मांडो आ चुका है आपके एग्जाम में, तनिया मेल, गोफ, बीराभद्रा, दशाओ अवदान, कुनबी डांस, तालगड़ी, तालगड़ी भी आया हुआ है। नेशनल पार्क इनके पास एक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी इनके पास है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके पास बोंडला, चारो, कोटीगांव, मडाई। थर्मल पावर प्लांट रिलायंस एनर्जी लिमिटेड है और गैस पावर प्लांट गोवा गैस पावर स्टेडियम, गोवा गैस पावर स्टेशन है। यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में इनका चर्च है, हम पढ़ा चुके हैं। फेमस स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम। मोनूमेंट्स बहुत सारे हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन तो पूछो ही मत। रिवर्स इनके पास मंडवी है, चंपारा है, जुआरी है, जुआरी आ चुका है एग्जाम में और गोवा मांडवी रिवर के तट पर है। लेक्स सलीम सलुवालिम डैम, वाटरफॉल दूध सागर वाटरफॉल, जीआई टैग पिलानी पंचामृतम को मिला है। फेमस एयरपोर्ट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनिमल गौर, वही गौर जो हरियाणा का था, सॉरी बिहार का। बर्ड इनका रूबी और फिश इनका ग्रे मुलेट, फ्लावर इनका जस्मिन और ट्री मैटी। तो ये बेसिक सा पॉइंट था, अब इसका कुछ एमसीक्यू कर लेंगे, अगले 10 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत लिख तो नहीं पा रहे होंगे। सलीम अली के नाम से दो है, यस बिहार में भी है। चले साथियों, गोवा इज लोकेटेड ऑन कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। गोवा भारतीय प्रायद्वीप के तट पर स्थित है। तो सोच के देखो, गोवा भारतीय पेनिनसुला के किस तरफ है, तो किस तरफ है साथियों, वेस्टर्न पार्ट में है इंडियन पेनिनसुला के। द स्टेट ऑफ गोवा इज कवर्ड फ्रॉम महाराष्ट्र एंड, है ना। गोवा महाराष्ट्र के उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है, कौन सी रिवर है, तो कौन सी रिवर इज ऑप्शन वाइज तारकोल, गंगा और नर्मदा तो होगी नहीं। द स्टेट ऑफ गोवा इज सेपरेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र बाई विच स्टेट इन साउथ, किसके बीच में है ये, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच।
द स्टेट ऑफ गोवा इज कवर्ड फ्रॉम महाराष्ट्र बाई इन द ईस्ट, किस घाट पर? वेस्टर्न घाट पर, पश्चिम घाट पर है। द स्टेट ऑफ गोवा इज सेपरेट फ्रॉम महाराष्ट्र बाई द विच सी इन वेस्ट, कौन सा सागर है? तो अरब सी है। गोवा इज कंप्रोमाइजिंग मेन लैंड डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंट्रीज विच कोस्ट, तो ये भी क्लियर है, किस कोस्ट पे है? पश्चिमी तट पर है, उसमें भी कौन सा पश्चिम? दक्षिण पश्चिम मेन कोस्ट के। गोवा की राजधानी क्या है? तो ये तो कड़ी लोगे, पणजी है। गोवा किस वर्ष बना था, है ना? तो गोवा को स्टेट का दर्जा हमने 1987 में दिया था। चलो, नेम द ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी विच कॉज्ड बाय द गोवा, कौन से ऑपरेशन के थ्रू गोवा को भारत में शामिल किया गया? तो हमने कहा भारत में दो ऑपरेशन विजय के नाम से चले हैं, और ये विजय ऑपरेशन साथियों 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया था, और 1999 में कारगिल के लिए चलाया गया था। गोवा को किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961। विच ऑफ दीज आर नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, निम्नलिखित में से कौन गोवा की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, गोवा की आधिकारिक भाषा नहीं है हिंदी, मराठी नहीं है। तो हमने सीखा था कि अंग्रेजी और क्या गोवा का लैंग्वेज और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल कर दिया गया 15वीं, कोंकणी। तो हिंदी और मराठी नहीं है, अंग्रेजी और कोंकणी है। गोवा को क्या कहता है, किस नाम से ईस्ट का क्या कहते हैं? तो गोवा को पर्ल, डायमंड के नाम से, पर्ल के नाम से, मोती के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा स्टेट इन एरिया, जब कुछ ना लिखा जाए तो क्या होगा, एरिया वाइज ही होगा, अदरवाइज पॉपुलेशन वाइज बोला जाएगा। गोवा सबसे बड़ा, राजस्थान। गोवा इज ऑल्सो नोन एज द ऑफ ओरिएंट, है ना, सेम हमने कहा था, पर्ल ऑफ ओरिएंट भी कहते हैं या पर्ल ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम अभी किसके पास है? गोवा के पास ही है। गोवा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हमारे काम का नहीं है, बस हमें वैसे क्वेश्चन है तो आंसर देना है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इसको याद करने का। 3702, कुल कितने परसेंट हिस्से में इनके पास फॉरेस्ट है? तो हमने कहा था लगभग 60% इनका इनका फॉरेस्ट है, ये एक अच्छी बात है। गोवा इज बाउंडेड बाय विच स्टेट इन द ईस्ट एंड साउथ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के द्वारा। गोवा के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था टी शिवशंकर थे। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सेम बात पूछा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। फर्स्ट सीएम ऑफ गोवा, गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था दयानंद बंदोदकर, दयानंद बंदोदकर वाज द फर्स्ट सीएम। गोवा का जो लीगल एरिया है किस कोर्ट में सुलझाया जाता है? तो आप जानते हैं बॉम्बे में दमन दीव, दादा नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा चारों को कवर किया जाता है। अब तो दमन दीव, दादा नगर हवेली एक ही हो गए, तो तीन को कहेंगे। गोवा के पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना था? 3 साल ही रह पाए थे, वैसे 5 साल ही होता है, इसे ये भी फालतू क्वेश्चन है, ये कोई लॉजिक नहीं। 61 से 64, 3 साल। कौन सी नदी गोवा राज्य से बहती है? तो कौन सी नदी गोवा राज्य से बहती है? मांडवी भी बहती है और चापोरा बहती है क्या? तो जवाब है कि हाँ, तीन दोनों नदियां बहती हैं। कौन सा चर्च गोवा में नहीं है? तो रेमेडीज, लेडी ऑफ रेमेडीज किसको कहते हैं? माता मरियम को कहते हैं। और ये चर्च कहाँ पर है साथियों? तो ये कर्नाटका में है, बाकी तीनों के तीनों कहाँ पर? गोवा में है। कौन सा
मॉन्यूमेंट्स गोवा में नहीं है, तो कौन सा मॉन्यूमेंट्स गोवा में नहीं है? तो फोर्ट जोरम ये कहाँ पे है? दमन में है। फोर्ट जोरम इज सिचुएटेड इन दमन। विच वन इज सिचुएटेड इन गोवा? तो चापर फोर्ट और चर्च लेडी ऑफ मेरेकल, तो दोनों यहाँ पर स्थित हैं। चल, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट द ट्राइब ऑफ गोवा? निम्नलिखित में से कौन से गोवा के ट्राइब नहीं हैं? तो ये भी एक प्रकार से फालतू क्वेश्चन ही है, सारे ही हैं बल्कि। कौन सा गोवा का नृत्य है? गोफ और मांडो, दोनों ही हैं। गोफ और मांडो, ये अच्छा क्वेश्चन है। गोवा में प्रसिद्ध फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? तो अभी देख लो, जवाहरलाल नेहरू मिला था क्या? तो जवाब है कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जवाहरलाल नेहरू नाम आया था, दैट इज फुटबॉल स्टेडियम। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को और किस नाम से जानते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और अदर नेम इज द फाटरोडा स्टेडियम। फाटरोडा स्टेडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेज इज नॉट लोकेटेड इन गोवा? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेज इज नॉट लोकेटेड इन गोवा? कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित नहीं है? तो कौन सा समुद्र तट गोवा में नहीं है साथियों? मरीन ड्राइव कहाँ पर है? तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, मरीन ड्राइव मुंबई में, महाराष्ट्र में। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन गोवा? तो इसमें से सारे के सारे हैं, बोंडाला भी है, मेडी भी है और नेत्रावली भी है। ऑल आर लोकेटेड इन गोवा। और दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है? तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे साथियों? गोवा में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और किस नाम से जाना जाता है? गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डेबोलिम एयरपोर्ट। डेबोलिम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विच वन इज द नेशनल एनिमल ऑफ गोवा? वही है जो बिहार का है। तो बिहार का क्या था? गौर। गोवा का राजकीय फूल क्या है? व्हाट इज द फ्लावर ऑफ गोवा? जैस्मिन, चमेली का फूल। विच बर्ड हैज द मस्कट ऑफ द नेशनल गेम इन द गोवा? गोवा में राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन सा पक्षी था? तो कौन सा था साथियों? रूबी। रूबी उनका स्टेट बर्ड भी है। गोवा के राज्य पक्षी को और किस नाम से जानते हैं? तो अभी आपने पढ़ ही लिया, रूबी। गोवा के राजकीय फूल का साइंटिफिक नाम क्या है? तभी हमने पढ़ा था, चमेली, पुलमेरिया, रुबेरा। स्टेट टी ऑफ गोवा, तो गोवा का स्टेट टी क्या था? मेट्टी। चले, अंजुमन डैम ऑफ गोवा इज बिल्ट ओवर द विच रिवर? गोवा का अंजुमन डैम किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर साथियों? मांडवी रिवर पर। विच फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन गोवा? तो अभी हमने देखा था, सलीम अली दो जगह पे था, तो एक ये है और एक बिहार में। चल, तो फाइनली हमने कवर कर ही लिया। तो आज की कमिटमेंट के हिसाब से हमने जल्दी 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 जितना फास्ट हो सकता था उतना फास्ट करके हमने आपका चार स्टेट डिस्कस कर दिए हैं। कल हम देखेंगे, कल हम करेंट करवाएंगे, कल हम करेंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। कल का करेंट भी आपको मज़ा आएगा। और फिर एक दो दिन बाद फिर हम स्टेट ही डिस्कस करेंगे। अरे बद्दुआ कहाँ दे रहे हैं मेरे बच्चे, तुमको मजाक करते हैं यार, ऐसे मत कहा करो भाईपाल, तुम हमारे फेवरेट बच्चे में से एक बच्चे हो यार। हम इतना मेहनत इसीलिए करेंगे, हम आपको बद्दुआ दें? कैसे बात कर दी यार, आपने दिल तोड़ दिया हमारा। हमें ही पता है कि कितना मुश्किल होता है पूरे दिन ये सब करने के बाद शाम को आप लोग के लिए देना। चलिए कोई बात नहीं, आपकी अपनी अपनी समझ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे, हमारे इस सेशन से आपको फायदा हो रहा होगा। और जिनके पास भी हमारा टेलीग्राम नहीं है स्टडी मटेरियल के लिए, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, श्योर सृष्टि।
अन अकेडमी पर किसी भी प्रकार के कोर्स लेने के लिए 10% ऑफ के लिए आप श्योर 60 कोड यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे। स्टेट वाले टॉपिक को यदि आप कर पाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट। खूब मेहनत कीजिए, जितना मेहनत, मतलब मर जाइए लेकिन बेहतरीन मेहनत कीजिए। मतलब ये अफसोस ना रहे कि काश और कर लेते। कई बार ऐसा मन में आएगा कि इस बार तो ऐसे देते, अगली बार अच्छे से करेंगे, तो ये वाला चीज़ दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसी बार करना है और बेहतर तरीके से करना है। मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक में आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आप सबको गुड नाइट, शुक्रिया, अच्छे से मेहनत कीजिए।